सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को हमारे एक और ब्लॉग में। और ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैं अपने खीरा में दवाई डालने जा रहा हूँ। और गाइस ये दवा रखी है इधर, देखिएगा ये एक ग्रीन कलर की दवा है और आप देख ही सकते हो। अब मैं पानी डालूँगा इस टंकी में। अब भाई इस टंकी में पानी डालने जा रहा हूँ मैं। ये 18 लीटर की टंकी है, इलेक्ट्रॉनिक है ये, इसमें एक मोटर लगी है और इसमें पानी डालता हूँ मैं अभी। तब तक आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, किसान का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिएगा मैं इसको पूरा भरता हूँ अभी। तो गाइस आप देखते रहिएगा, हम इसको पूरा भरने के बाद ही इसमें दवा डालेंगे, उसके बाद खेत पर जाएंगे इसको छिड़काव करने के लिए। तो गाइस आप देख ही सकते हो। तो गाइस इसको मैंने टंकी भर दिया, मैं लेने आ रहा हूँ दवा। तो गाइस मैं यहाँ से दवा उठा लूँ, ये मैं भाई इसमें 3 गिलास दवा डालूँगा अभी। देखिएगा ये 1 गिलास और ये 2 गिलास और ये 3 गिलास। गाइस इसमें 3 गिलास दवा डाल चुके हैं हम। और चलिएगा अब तो गाइस अब मैं चलते हैं अपने खेत की तरफ। तो गाइस तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, तब तक हमारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके पास। तो गाइस मैं अपने खेत पर आ चुके हैं और दवा डाल रहे हैं। ये देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उस पीठ पे टांग कर और एक हाथ से डालना पड़ता है। देखिएगा गाइस कितनी बढ़िया मशीन है। और गाइस देखिएगा कितनी तेज़ी से दवा निकलती है इसमें, देख ही सकते हो आप। ये खीरा के पौधे हैं इधर, ये खीरा के पौधे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दवाई पड़ती है। जितने भी किसान भाई लोग इस वीडियो देख रहे हो हमारा, वो ऐसा ही दवाई डालें और खीरा में कीड़ा ना लगने से पहले ही दवाई डाल दे क्या। और चलिएगा गाइस आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, तब का हमारी वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। तो गाइस ये देखिएगा, ये हैं खीरा के पौधे और ये दवा देखिएगा, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए हैं, लेकिन दवा अच्छी पड़ रही है इसमें। सिर्फ पौधे पे ही दवाई डाल रहे हैं हम। तो गाइस दवा पड़ चुकी है हमारी, अब कुछ ही देर में आने वाले हैं हम। तो आप लोग देख ही सकते हो कि दवा हमारी पड़ चुकी है। और तो हम अब आपके आप आ रहे हैं और यहाँ पर ही अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, किसान की हर एक बातचीत से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आते रहें।